एक वीवर का क्वेश्चन है कि माइल स्टोन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा, माइल स्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, यानी एक बहुत बड़ी चीज। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसे अक्सर हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो यह जीत हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस विक्ट्री वॉज अ माइल स्टोन इन आर कंट्रीज हिस्ट्री, यानी यह जीत हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर था। अगर आपको कहना हो कंप्यूटर का इजाद इंसान के इतिहास में एक मील का पत्थर था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर वॉज अ माइल स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, यानी कंप्यूटर का इजाद इंसान के इतिहास में एक मील का पत्थर था, यानी एक बहुत बड़ी बात थी। अगर आपको कहना हो सिनेमा के इतिहास में यह मूवी एक मील का पत्थर था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस मूवी वॉज अ माइल स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, यानी सिनेमा के इतिहास में यह मूवी एक मील का पत्थर था। अगर आपको कहना हो यह ट्रिक विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस ट्रिक वॉज अ माइल स्टोन फॉर स्टूडेंट्स, यानी यह ट्रिक विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर था, यानी एक बहुत बड़ी बात थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा कि माइल स्टोन क्या है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वीवर का क्वेश्चन है कि परस्यूड क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वर्ड परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या लक्ष्य करना, यानी टारगेट करना या करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस परस्यूड द वैन, यानी पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। यहाँ वर्ड परस्यूड का मतलब हुआ पीछा किया, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जहाँ मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा, यानी मैंने लिखा परस्यूड। अगर आपको कहना हो अगर वो अपना शौक पूरा करना चाहता है तो उसे करने दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे If he wants to pursue his hobbies, let him do. यानी अगर वो अपना शौक पूरा करना चाहता है तो उसे करने दो। यह वर्ड pursue का मतलब हुआ करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया pursue का एक मतलब करना भी होता है। अगर आपको कहना हो मुसीबत में भी अपने लक्ष्य का पीछा करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे pursue your goal even in difficulties. यानी मुसीबत में भी अपनी लक्ष्य का पीछा करो। अगर आपको कहना हो मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम परसुइंग बीकॉम, यानी मैं बीकॉम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि वर्ड परस्यू क्या है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।